मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा भाई साज फैमिली में। सो अभी बच्चों को स्कूल मतलब नीचे छोड़ के आई हूँ दोनों को। अर्शु भी चला गया, 9 बज गई तो अर्शु भी चला गया, परी भी चली गई स्कूल। परी की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही थी, कल देखा था आपने, तो उसको मेडिसिन वगैरह दे के फिर भेजा है स्कूल। और अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत सारे कमेंट भी आए, मतलब इंस्टा पे भी मैसेज आए कि जीजा आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बस वही है, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, टाइम नहीं मिल पाता इस वजह से व्लॉग बन ही नहीं पाते, तो फिर अपलोड कैसे करेंगे। तो अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो आज करते हैं व्लॉग स्टार्ट। पता नहीं एंड होगा कि नहीं होगा, बट स्टार्ट तो करते हैं। तो हमारे पूरी दीवारों के जो वॉलपेपर है वो फट चुके हैं, मतलब घर हमारा जो है पूरा वो हो चुका है, दिमक विमक लग चुके हैं। इसलिए आप लोग बोलते हो कि होम ट्यूर नहीं देते, मैंने कहा यार सारे अलमारियां वगैरह सब ऐसे हुई पड़ी है तो क्या ही होम ट्यूर दूं। तो देखेंगे थोड़ा इसको रिनोवेट करवाएंगे उस टाइम में, उसके बाद ही दूंगी होम ट्यूर। अभी ऐसा ऐसा पड़ा है सारा, तो क्या ही होम ट्यूर दूं। अभी नेल पेंट वगैरह उतारूंगी, एक हाथ की उतारी हुई है, एक हाथ की नहीं, एक हाथ की उतारी हुई है, एक हाथ की नहीं उतारी हुई, तो अभी ये सब रिमूव करूंगी। पर इसको गेट बंद कर दो, सारा ऐसे तो एक तो आदमी से दे बंद करो, करते लगा है बंद कर दो, बंद कर दो अलमारी। गोल्डन नेल पेंट इतनी मुश्किल से उतरती है, बहुत ही भयंकर उतरती नहीं है। मैंने हरकत दिखाऊं पर इन वीडियो पर फोन बट से आते मिला पता नहीं, लगा ले फेस में, बोल्ड नहीं लगानी वैसे मेरे को। तो मैंने नेल पेंट लगा ली, और यार इसमें तो बहुत ही गंदी लग रही है वीडियो में, वैसे अच्छी लग रही है, बहुत ही लाइट सी है। पहले मैंने बहुत ज़्यादा डार्क लगा ली थी गोल्डन वाली, लेकिन फिर मैंने उसको हटाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। वो मेहंदी लगाई हुई है ना तब अच्छी लगती है, तो फिर मैंने ये लाइट सी लगाई है, पता नहीं आपको वीडियो में बहुत ही अजीब सी दिख रही है। तो अब मैं बाल बाल बनाऊंगी, खाना खाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी शॉप पे, फिर शाम को मुझे वापस आना है जल्दी, क्योंकि आज सुहावणी है, मेरी फ्रेंड है उनके यहाँ, तो मैं वहाँ जाऊँगी सुहावणी में शाम को, और 6-7 बजे का टाइम है, तो देखते हैं किस हिसाब से जाते हैं। परी और मैं जाएंगे क्योंकि अर्शु को नहीं लेके जाऊंगी, अर्शु परेशान करता है, दूसरी जगह रहता नहीं है वो, तो परी और मैं जाएंगे हम दोनों, तो शेयर करेंगे पूरा व्लॉग। खाना तो अभी बनाने है, तो मैं चुकंदर खा लेती हूँ, लेकिन यार ज़्यादा नहीं खा सकती इसे, फोन बदल ले थोड़ा। हो जिसो मारे सब कम पड़ गए मारे, अच्छा लग, लेकिन ज्यादा कौन बाहर दो चार पीस खाओ, ज्यादा का जूस पियो, अच्छा है चुकंदर, आज ही लेके आए होगे, कब से बोल रहे थे उसको। वो बोला कर पैन पानी से पाइने पल रही है, दस पानी से बना सकते हो, बहुत ही गलती है लेकिन अच्छा नहीं है। मोहन भी आन को मोहन बाय आज आज बिल का सुधार जूस बनाया अनार का, देखो ओरिजिनल है, ओरिजिनल अनार का जूस, लेकिन बहुत ही वाहियात है, बहुत ओरिजिनल है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। आदो की चलिए बात है। हाय परी वो बहुत ही अजीब, देखो पीड़ देखो, पहले पीड़ देखो, एक बाइट पीड़ देखो, मन में तो थोड़ा सा भी ना, मत मन ने जुकाम लाग गई। ओहो तो भी ठंडो को नहीं,
अंदर जुकाम लग जाए। हाँ? कुछ नहीं होगा जी, आपको नहीं बोल रही, खाना ला दो फटाफट, मुझे जाना है शॉप पे। अब तो स्वाद है सोफा की सुगंध जो उतर खराब है, ओरिजिनल तो यही है, ओरिजिनल प्योर अनार की है, वो दानों का पूरा दानों का पानी ही है। तो देख कत्तो स्वाद है, पीवे रखो चीनी वीनी की कौन पे आबे बुलाए डरा के पिज्जा धार तो पियो कर वाला। आज सुबह मेरे माथे दुख रहे बैंक, चाय वाला भी नहीं आया आज, गोली ले लेती तो यार, कितना गोला ले आऊं भाई, दवाइयां भी लेनी है। अरे बस दवाई ले लेती थी, ले जाओ तो सर लगुल पे ले लगुल पे। हां आज हमारे चाय वाला नहीं आया तो मेरा मन कर रहा आइसक्रीम लाने का, पर इतना मतलब नीचे ही है लेकिन जाने की हिम्मत नहीं हो रही मेरे सर में, आज सुबह से इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है क्या ही बताऊं। गार्ड तो बैठा था, बुलाए कौन जा, बुला मैं मासी बोल रही लाते कहीं, मैं नहीं लग रही तो ले आ, मैं भी नहीं लाऊंगी, रोज मैं लाती हूँ तो बुढ़ी है तो क्या हुआ, गुल पे तो गणी खा ले बुड्ढी। हमारे सामने ना वो एक लेडी वाला खड़ा होता है, इतनी मस्त कुल्फी मिलती है उसके वहाँ, तो मस्त लाएगी अभी जाके। गार्ड ने कहते पिसा दिया जल लिया से। सुशीला अरे यार चाबी भेज ले, मैं आ गई घर। हाँ कोई बात नहीं, अर्शन खेल ले, तो चाबी भेज दे। कॉल कर दिया, वो वहाँ पे पार्क है, आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, तो वहाँ बच्चे रोज खेलने जाते हैं इस टाइम, तो मैं आज जल्दी आ गई शॉप से, और यहाँ वीडियो कितना क्लियर आ रहा है ना, और इतना मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी है, वैसे गर्म हवा नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है ना, तो थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। एंड मेरे बच्चे जो है पार्क में खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सामने जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, वहाँ है मेरा अर्शु और परी। अर्शु मुझे हाय कर रहा है, दिख रहा है आपको, रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है उसने, वो देखो मुझे हाय कर रहा है। तो अर्शियो भी पार्क गया हुआ है, वो अभी खेल के आएगा थोड़ी देर, और हमारे घर के जस्ट पीछे ही है पार्क, तो यहाँ पे बच्चे रोज खेलने जाते हैं शाम के टाइम। ये है हमारा मिट्टू राजा जो कि बड़ा गुस्से में बैठा हुआ है क्योंकि इसको खाने को कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैं अभी इसका सबसे पहले इसका पिंजरा विंजरा क्लीन करेंगे, बहुत ही गंदा हुआ है, और इसको पानी वानी भी देंगे भाई अच्छे से। सो रहा है पता है, आवाज ही निकाल रहा है। मिठू भूख लगी है भाई नन्नू को, अभी यम्मी यम्मी फूड देते तुझे, बनाना सब दूंगी ठीक है, चाबी खुलने दे बस, सॉरी ताला खुलने दे, चाबी क्या खुलेगी। मिठू गुस्से में, देखो गुस्से में बैठा हुआ है, देख रहो, और ये मेल है, मेल मिठू है, मेल मिठू है जी, अर्शी नहीं सॉरी। मिठू मिठू राजा क्या हुआ, क्या हुआ मेरे मिठू को, वैसे ज्यादा बड़ा नहीं है पता है, एज में छोटा ही है, मतलब जवान है ये, ना बुड्ढा है ना बच्चा है, जवान मिट्टू है, जवान मिट्टू। मिट्टू बोल नहीं रहा, लेकिन जब से मैं इससे कब से गाड़ी में भी मैं इतने बातें करी थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोला बंदा, एक शब्द नहीं बोला, बस गुस्से में ऐसा कर है मिट्टी, गुस्से आ रही है। चलो अभी दाना लाते हैं, खाना लाते हैं तुम्हारे लिए। बाद में अब मिल रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि ना मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि मैं इतना लेट हो गई थी ऑलरेडी, तो मैं रेडी वेडी हुई, मैंने उसका किसी भी चीज़ का व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद हम लोग गए फटाफट से, मैं और परी हम दोनों गए थे, और खाना वाना खा के अब आए हैं घर। और मेरा ये ड्रेस जो है ना बहुत ही पुराना है, मतलब आप ये मान लो 4-5 साल पुरानी ड्रेस है ये, और मैंने इसको पहनने का वो ही नहीं हो रहा था, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सूट ना मुझे बहुत लूज होगा, इस चक्कर में मैंने इसको पहनना नहीं, और एकदम फिटिंग है ये ड्रेस, बहुत ही अच्छी सी है, लाइट कलर की, परी के पापा को बहुत अच्छी लगी, बोले तो ये ड्रेस मस्त लग रही है उनको, क्योंकि लाइट कलर पसंद है तो अच्छी लगी उनको, बहुत पुरानी है लेकिन मेरी ये ड्रेस अच्छी है, तो मैंने इसको आज पहना है बेचारी को। तो अब मैं कर लेती हूँ कपड़े वपड़े चेंज, फिर मिट्टू से थोड़ी देर बातें करेंगे, अभी तो उसको नहलाया विलाया कुछ नहीं है क्योंकि शाम का टाइम था, कल उसको नहलाएंगे रेडी करेंगे अच्छे से, रेडी क्या करेंगे मतलब नहलाएंगे धुलाएंगे साफ सफाई करेंगे, तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ अपने। और मैंने ये छोटा पूसा अपना सेट पहना था जिसका एक नग निकल गया है यहाँ से, पर कोई नहीं लाइट वेट सा है, अच्छा है ये, तो ये पता है मैंने कितने में ख़रीदा था, ये मैंने ख़रीदा था सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये में, पता है इतना सुंदर सेट है,
मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, मतलब मैं करती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब नहीं करती यार क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए में खरीदा था, बहुत सुंदर है। कि तोले सारे मेरे को पता नहीं कितने, पर एक बार मेरे को ऐसे घूर रहे हैं। मैंने खरीदा था सब। अच्छा है ना ये सेट, कितना सुंदर है देखो। अब कहाँ मिले यार ये, अब तो ये मेरे को लगता है 60-70-80 हज़ार में फोन मिला है। क्यों पर एक तोड़ा तो ऊपर ही यार, एक तोड़ा ऊपर है वो, सवा दो तोड़ा करके मतलब ढाई तोड़ा के ऊपर है। 35,000 में ढाई तोड़ा हम कौन देवो परी बाबा, 35,000 कटो ले मैं ले 35,000 एक तोड़ा ले, नहीं वो 35,000 में ले मैंने बंदा ने कटे तोड़े। भगवान करिए बिट्टू, नहीं मिट्टू को बाहर निकाल दो फिर ना, क्यों नहीं मिट्टू, क्या लगता है आपका छोटा भाई है वो, छोटा भाई है वो, उसको रूम में सुलाओगे अपने साथ? हाँ। मैं बाहर निकाल दूंगी उसको। नहीं आपके यहाँ तो मुक्का मारूंगा। क्यों? तो आप मेरे भाई को मारोगे ना, तब उसके मुंह पे मुक्का मार दूंगा। पर मतलब बेटा दवाई मतलब क्यों ले रही फालतू में, जब तबीयत ठीक है बिल्कुल। फीवर की है वो, खांसी कुछ नहीं है, खांसी एक बूंद मतलब वो भी नहीं है बिल्कुल भी, रत्ती पर भी खांसी नहीं है तुझे, क्यों फालतू में दवाइयां ले रही है? गर्मी होती बेटा दवाइयां नहीं लेनी चाहिए ज्यादा। अरे रॉम ड्रामे ड्रामे देख लो इनके। फ्रेंड्स आज मैं पापा को बार बार प्रश्न कर रहा हूँ, पापा से बार बार दूध मंगवा रहा हूँ। अपने पापा को बार बार किचन में भेज रहा है, इसके पापा इसके लिए दूध गर्म करके लाए तो कह रहा है मम्मा पापा ये दूध ठंडा है, जाओ इसको फिर से गर्म करके लाओ। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा तूने दूध पी भी लिया? कह रहा नहीं मम्मा ठंडा था, पापा को फिर से भेजा है किचन में। रात के ना वो राम 11 बज रही है और ये बच्चा जो है सोने का नाम नहीं ले रहा, कभी मेरे को बोलता है स्टोरी सुनाओ, कभी मेरे को बोलता है चाय पीनी है, कभी बोलता है दूध पीने है। तो बेचारे इसके पापा लाने गए हैं दूध, मैंने बोला मैं नहीं लाऊंगी अर्शु, तो अपने पापा के पास गया कि पापा आप ला दो, मम्मा तो नहीं ला रही मेरे लिए। आपने शिकायत कर दिया पापा से? मेरी शिकायत कर दिया पापा से? हाँ। पापा मुझे मारेंगे तो? मारेंगे तो पिटवाऊंगा। मुझे क्यों पिटवा रहे हो? जब ऊपर तक नहीं पहुंचते ना इसलिए मैं आपको पिटवाऊंगा। फिर मम्मा मच जाएगी तो मम्मा कहाँ से आएगी? न्यू मम्मा ले आऊंगा दुकान से। दुकान से न्यू मम्मा ले आएगा अर्शु? दुकान में मिलती है क्या मम्मा? हाँ है? कह रहा दुकान से न्यू मम्मा ले आऊंगा। एक मेरे लिए भी ला दे ना। एक नौकर है जो काय के रहे हो? मैं क्यों मम्मा मर गई तो काय के दुकान से न्यू ले आऊंगा? कह रहे मम्मा कोई बात नहीं मैं दुकान से न्यू मम्मा ले आऊंगा। बेटा गर्म तो नहीं है क्या? चलो चलो नहीं है देखो तो गर्म तो नहीं बेटा इसमें, पर ये अजीब सी स्मेल आ रही है। ना ना कौन पियो। चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट। ले बोल दे तू।